दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। एक लड़का नहर में कूद गया, आप लोग देख रहे हैं, ये गुरुग्राम नहर इसको बोलते हैं, आगरा नहर के बगल में ये गुरुग्राम नहर है जो सेक्टर 8 होते हुए चली जाती है गुरुग्राम की तरफ। तो आप लोग देख रहे हैं एक लड़का इसमें कूद गया और वो पता नहीं कहाँ गया, गायब हो गया, कुछ पता नहीं चला। यहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद हैं, उसके परिजन भी मौजूद हैं। आइए पता करते हैं ऐसा क्या हुआ था कि वो लड़का इसमें कूद गया और पुलिस से इनकी गुहार है कि उसको निकाला जाए। अब पता नहीं किस स्थिति में मिले, लेकिन उसको जल्दी जल्दी निकाला जाए। आप लोग देख रहे हैं परिवार वाले हैं और ये देखिए रो रही हैं, इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी नमस्कार, क्या नाम था उसका? लखन था। लखन नाम था, क्या हुआ था? कुछ भी नहीं। कूद गया? कुछ भी, लड़ाई कुछ झगड़ा नहीं हुआ उसके साथ। कितनी उम्र थी? 18 साल का था। कब कूदा? कल 10 बजे रात में। पुलिस आई? पुलिस आई, पुलिस ने कुछ भी नहीं सुनवाई करी। कोई तो आया होगा गोताखोर? ना कोई नहीं, कुछ भी आयो कुछ नहीं, कुछ आयो। अच्छा, कह रहे आ रही आ रही। क्या काम करता था लखन? मंदिर में करता था, ऐसे ही काम करता भी था, नहीं करता भी था, मतलब ऐसे पूरा। 18 साल का ही था तो अभी तो बिल्कुल बचपना था। अच्छा, कोई डांट मार तो नहीं पड़ी उसको? कुछ भी नहीं भैया। अच्छा, किसने देखा था कूदते हुए? इन बहन ने इनकी देखा। आ जाओ जी, आपने देखा था बता दो, कोई दिक्कत नहीं। कूदा बस, मुझे कूदते पे खाली दिखा था तो ऊपर हाथ उठा के कह रहा दीदी मुझे बचा लो, दीदी मुझे बचा लो, मैंने नहीं बचा पाया। नहीं बचा पाई? अच्छा, तो कैसे अचानक से जाके कूद गया? अपने आप ही भागता भागता आया, कूद गया, मैं पीछे ही फैलाई, मैंने नहीं पकड़। डूबने लगा तो उसको गलती का पछतावा हुआ होगा? मैं बड़ा कह रहा दीदी मुझे बचा लो, अब नहीं बचूंगा, मैं कैसे बचा हूँ लेडीज थी। गहरी। क्या लगती हूँ उसकी बहन हूँ मैं, छोटी छोटी बहन? बड़ी बहन हो? अच्छा, ये भाभी है मेरी। छोटी बहन हो? छोटी हो या बड़ी हो? बड़ी हो। छोटी हूँ, बड़ी वाली गांव में है यार। तो कह रहे सिर्फ 18 साल का है, तो उससे छोटी? 22 से कानो छोटा था, मुझसे बड़ा था। दो बहने हैं तो आप नहीं बचा पाए? नहीं, मैंने नहीं, बहुत कोशिश करी पर मैंने नहीं पकड़ पाया। तो बहाव है नहर में, पानी भी ज्यादा है तो हो सकता है बहते बहते निकल जाए, और कई बार तो यहाँ गिरते हैं तो निकल मिलते हैं सोहना में गुरुग्राम में। दी चार की आवाज के सिवाय पांचवी आवाज नहीं निकली, वहीं की वहीं गुप हो गया। जब भी मैंने कही भैया कहाँ है तू, आवाज नहीं आ रही, तभी मैं चीख पड़ी, मैंने कहा भैया मेरा नहीं है दुनिया में। अच्छा, वो जो है चिल्लाया होगा बचाओ बचाओ की गुहार लगाया होगा और उसके बाद अंदर वो घुस गया। हाँ, फिर मैंने यहाँ कीचड़ भी है जो है, पता नहीं वो दबा पड़ा है क्या है, क्योंकि ये तो पुलिस आएगी निकालेगी ढूंढेगी तभी पता चलेगा। अच्छा जी, तो घर में कौन कौन है उसके? घर में मम्मी थी और पापा। हाँ। मेरे गांव गए हुए, बीमार है, इलाज चल रहा उनका। मम्मी घर में है? मम्मी है और एक और भाई है, एक उससे छोटा अपने बाहर कमाता। चार भाई है? हाँ, यहाँ इस टाइम 3 ही थे। तो कोई फोटो वगैरह दिखा दो ताकि कहीं मिले किसी को, कम से कम पता रहे कि यहीं से लड़का कूदा था। कुछ नहीं है मेरे पास, कोई फोटो मोबाइल में हो, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी। आधार कार्ड है मम्मी के पास। चलो मंगा लो आप, आधार कार्ड मंगा लो, कम से कम वो उसमें फोटो होगी वो दिखा देंगे, या कोई दोस्त हो उसका जिस उसकी फोटो दिख जाए, कभी खिंचाई हो किसी के साथ, कभी कोई मोबाइल है उसके पास? फोटो वोटो की मोबाइल था? नहीं, फोन नहीं है उस पे, नहीं चलाता था। तो मम्मी से पता किया, कुछ बोल दिया और डांट दिया और खाने के लिए किसी काम के लिए? मम्मी ने कह रही मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये कहा रोटी खा लो। कह रहा क्यों, मैं अभी आ रहा हूँ, 2 मिनट रुको। 2 मिनट बाद मम्मी बोली जल्दी आओ बेटा, उसके बाद घर वापस ही नहीं आया ये। कितने बजे की बात? 10 बजे की बात है। 10:30 बजे कूदा? हाँ जी। तो कहीं किसी और से बातचीत तो नहीं हुई उसकी? नहीं नहीं, अब आगे की उसको पता होगी, घर पे तो कोई बातचीत नहीं हुई। देखो भैया कोई फोटो किसी के पास हो, कोई यार दोस्त उसका हो, यहाँ आधार कार्ड का? आधार कार्ड है यार दोस्त पास होगा। अच्छा, आधार कार्ड लीजिए। तो आइए देखते हैं कहाँ पर आपने लास्ट टाइम देखा था, आइए देखते हैं नहर में। पुल के पास, पुल तक वो जिंदा था। अच्छा, पुल तक बह गया है। तो ये देखिए, ये है गुरुग्राम नहर बोलते हैं, बिल्कुल इस वक्त तो नाला बन गया है, इतनी दलदल है, इतनी कीचड़ है, और यहीं से वो कूदा होगा है जी। हाँ, यहाँ से कूदा, दिखाओ कैमरामैन थोड़ा पीछे, तुम मत जाओ मरोगे, तुम उधर रहो। ये है निशान, यहीं से कूदा था। हाँ,
जैसे ही पकड़ने को हुए ही साइड में था वैसे ही वो सरक गया हाथ ऐसे ऐसे करके बीच में हो गया। फिर यहाँ तक आवाज मारते मारते वहाँ पुल पार कर दिया। नहीं ऐसा तो नहीं हो गलती से चला गया हो? पता नहीं, मम्मी से तो ये कह के आया मैं अभी आ रहा हूँ 20 मिनट के अंदर ही अंदर आ रहा हूँ। अब मम्मी बोली ठीक है आ जाएगा, अभी मुझे क्या पता ये कहीं चला ही जाएगा। गुस्से में था नहीं, बस इतने ही में पता चला अब आज आई। वैसे में भागती भागती आई, लोगों ने बोला यहाँ के कोई कूद गया। वैसे ही मैं आई तो कह रहा दीदी मुझे बचाओ, ऐसे हमें पता मेरा भाई था। तो लखन जिसकी उम्र करीब 18 साल बताई जा रही है और यहीं से कह रही है कूद गया, लेकिन जब डूबने लगा तो बचाओ बचाओ की आवाज उसने लगाई। दीदी और दीदी बोला चार बार है, पांचवी बार में आवाज नहीं। तैरना वैरना तो आता नहीं होगा तो क्यों कूदे? क्योंकि अगर कोई कूदेगा अभी तो उसकी जान जोखिम में ही रहेगी। दिखाओ कैमरा मैन ये फोटो दिखा दो। ये लखन की फोटो है, आप लोग देख रहे हैं, उम्र करीब जो है 20 साल बता रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ 2006 की है। तो ये बड़ौली गांव में बड़ौली पुल के पास रहता है। गांव तो उधर है लेकिन ये कॉलोनी बसी है, तो कॉलोनी बोलेंगे, ये कॉलोनी में रहता है। कॉलोनी का क्या नाम है? रवि के नाम से। कॉलोनी का क्या नाम है, इसको क्या बोलते हो? रवि चंदीला के नाम से कॉलोनी है। रवि चंदीला के नाम से एक कॉलोनी बसी है जो है, और बड़ौली पुल आपको सामने दिखाई पड़ रहा होगा, बिल्कुल देख सकते हैं बड़ौली पुल है और उसी के पास ये दुर्घटना हुई है। देखते हैं पुलिस नहीं आई। अब ये लोग परेशान इसलिए हैं कि पुलिस वाले आए नहीं, पुलिस वालों ने कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई कि उसको ढूंढा जाए, पता लगाया जाए वो कहाँ गया। ना तो गोताखोर आए, ना तो पुलिस आई, ना तो प्रशासन आए। यहाँ पर आए थे कुछ देखने तो आए होंगे? खाली ऐसे ही देख के चले गए, देख कर पूछ लिया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, अंदर कुछ भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। नहीं चलो जी कार्रवाई की जाए। कोई आपने रिपोर्ट दे दी पुलिस में जाके लिखित में कि ढूंढा जाए? रिपोर्ट अभी तक तो उनको यही कह रहे भाई आप किसी को भेज दो, हमें तो पता नहीं इतना आइडिया, तब ये बोल रहे हैं। हमने भेज दिया, आगे शटर भी बंद करा दिया, पानी भी बंद करवा दिया, अभी तक कोई वैसे तो कोई सुनवाई नहीं दिख रही मुझे। चली हाँ पानी बराबर चल रहा, गेट सारे खुले पड़े, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। गरीब लोग हैं इसीलिए शायद सुनवाई नहीं हो रही है। आप देखते होंगे कई बार कुछ बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम करता है, तेजी से काम करता है, आपने देखा होगा। लेकिन इस मैटर में इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन उस तेजी से कार्रवाई नहीं कर रहा है जिस तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। तो कोई आप एक रिटर्न में एप्लीकेशन दे आओ, कौन सी चौकी थाना पड़ता है? सेक्टर 75 BPTP, वहाँ रिटर्न में दे आओ कि हमारा ऐसे भाई था, ऐसे जो है गिर गया या कूद गया जो भी हुआ हो और उसको ढूंढा जाए। ऐसी एप्लीकेशन आपने दी है वहाँ पे लिखी रिटर्न? रात को तो ऐसी एप्लीकेशन दी है, लिख के ले गए यहाँ तक आए थे, जैसी भी अपनी ढूंढने वाली पानी क्या होती है वो लेके आए थे, उससे ना डाली ना कुछ भी करा, बस जांच कांच करके अपना ले गए चले गए। कह रहे रात है सुबह देखेंगे, सुबह हो गया कोई कार्रवाई नहीं है। नहीं हुई कार्रवाई? नहीं। इनकी माता जी का क्या नाम है? मम्मी की संतोष। और पिताजी का? संजू। संजू ठीक है जी मैडम, यही जानकारी हासिल करनी थी। बाकी मांग यही है कि पुलिस आए और ढूंढे निकाले और उसके बाद ही आगे। आपको लग रहा होगा खत्म हो गया होगा, बचेगा तो अब तो जिंदा नहीं होगा सर। जो भी है जो भी मिले निकाला जाए और इनको संतोष हो जाए, ये आगे कार्रवाई तो मेरे को ये वो हो जाएगा। हाँ मेरा भाई मुझे मिल गया, बिल्कुल अंतिम संस्कार मैं हाथों से कर लूंगी बस। चलो जी पुलिस थोड़ा सा कार्रवाई करे, सर्दी का टाइम है और इसमें मेहनत तो लगेगी लेकिन कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। देख सकते हैं ये सब सबकी मांग है, कार्रवाई होनी चाहिए जल्दी। हाँ आज भी पूरा दिन हो गया ऐसे ही जग रहे हैं, मांग बता दो पुलिस प्रशासन को। तो सब यही चाहते हैं इस मैटर में जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी लखन को ढूंढा जाए, निकाला जाए। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।